हिंदू धर्म में हर व्रत त्योहार को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से मनाने की परंपरा रही है। 12 महीने में कई व्रत और त्योहार आते हैं जो खुशहाली का द्वार खोलते हैं। माघ महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ मनाने की परंपरा है। सकट चौथ के दिन व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, संतान के हर कष्टों का नाश होता है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। हालांकि इस बार सकट चौथ ज्यादा फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार उस दिन अद्भुत योग का संयोग बन रहा है, जिससे व्रती को दुगना लाभ मिलेगा। ज्योतिष की माने तो 29 जनवरी को सकट चौथ के दिन शोभन योग के साथ त्रिगी योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग में गणेश जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य और धन में बढ़ोतरी होती है। ये योग 28 जनवरी को सुबह 8:51 से शुरू हो रहा है, जो 29 जनवरी सुबह 9:44 तक रहने वाला है। इस दिन धनु राशि में मंगल, शुक्र और बुध विराजमान होंगे, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में इस दिन गणपति की सिंदूर दूर्वा से पूजा करने पर तीनों ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। सकट चौथ पर माँ खास तौर पर अपने बच्चों की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। सकट के दिन भगवान गणेश को तिलकुट के भोग लगाने का भी काफी महत्व माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाने के पीछे की मान्यता क्या है। सकट चतुर्थी पर गणपति बप्पा को भोग के रूप में तिल और तिल से बनी चीजों का प्रसाद चढ़ाते हैं। सकट चौथ को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताएं हैं। व्रत करने वाली महिलाएं भगवान गणेश के लिए गुड़ और तिल से तिलकुट बनाकर भोग लगाती हैं, जिससे भगवान व्रती से प्रसन्न होकर उनकी गरीबी और संकटों को दूर करते हैं। इसलिए इस दिन विशेष तौर पर तिलकुट प्रसाद के रूप में गणपति को चढ़ाने की मान्यता है। सकट चौथ के दिन व्रत रखने के क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। कुछ महिलाएं ये व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। सकट चौथ पर निर्जला उपवास के साथ फलाहार भी कर सकते हैं, जिसमें मीठे फलों का सेवन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। साथ ही इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सकट चौथ व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन सुखमय गुजरता है। अब जान लेते हैं कि सकट चतुर्थी के दिन की पूजा का विधान क्या है। सकट चौथ के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं, फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।